जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सभी दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके उपरांत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य को करने में अपने आप को संलग्न रखते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ, तो हे माधव, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, आपने जो यह बात हमसे पूछी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानप्रद है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही बड़े विद्वान थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां पर भगवान का सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वह वहां दौड़ के चला जाता और भगवान का पूजा पाठ करने लगता था। वही दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह मदिरा पान करता था, वह वेश्याओं के साथ संभोग करता था। दुनिया की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य के अंदर विद्यमान थी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, एक दिन ऐसा हुआ, भगवान को न मानने वाला शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में सोने चांदी से भरा एक मटका मिल जाता है, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिला है, अब तो मेरा जीवन सफल हो गया। इन सभी सोने चांदी की धातुओं को बेचकर मैं अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करने के बाद अपने घर को आ रहा था। अचानक उसके पैर में एक लोहे की कील चुभ जाती है, जिससे उस मानुष के पैर से रक्त निकलने लगता है, कारणवश ठीक। इसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं आ पहुंचता है और हंसते हुए उसको कहने लगता है कि क्यों तुम ही हो ना, जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं की, भगवान के सामने मैंने तो कभी अपना माथा भी नहीं झुकाया, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन में विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है, मैं तो कितना पूजा पाठ करता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ और यह कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत सुखी जीवन जीता है। इतना सोचते हुए वह कहता है कि चलो, इस बात का उत्तर अपने गुरुजी से पूछते हैं। वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी, मैं तो भगवान की इतनी उपासना करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक धनवान क्यों नहीं बन पाया हूँ? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब जैसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों छुभाई और उसको, उस अभिमानी शिष्य को सोने चांदी से भरी मटकी क्यों मिली, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, अब गुरु जी ने दिव्य दृष्टि डाली और उन दोनों का भाग्य देख लिया और तब उस शिष्य से बोले, सुनो पुत्र, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, परंतु तुम बच गए। उसका कारण बस इतना है, क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक लोहे की कील ही तुम्हारे पैरों में छुभी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूँ। गुरुदेव बोले, पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। आज के दिन उसको करोड़ों की संपत्ति उसको मिलने वाली थी, वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, परंतु इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार
उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। हे शिष्य, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। प्रत्येक मनुष्य को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है तो भगवान से अपनी बुराई खुद करो और उनसे कहो कि मैं कैसा हूं। आप अपने सारे विचार भगवान के साथ साझा करें, तब भगवान आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे प्रत्येक मनुष्य का आने वाला भविष्य अपने आप सुधार जाएगा। गुरुजी द्वारा कही गई इस प्रकार की बातें जब उस शिष्य ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से भगवान की उपासना लग गया और भगवान का पूजा पाठ करने लगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तो आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अब मुझे इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, भगवान की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके पिछले जन्म में कोई दोष थे तो वह इस जन्म में भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं। आप पे कोई विपदा आने वाली होगी तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बिगड़ता है तो वह भगवान को दोष देने लग जाते हैं, परंतु ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें भगवान की कोई मर्जी होती है और वह आपके भाग्य में ही लिखा होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तभी वह अपने सभी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर तुम अपनी चिंता करेगा तो मैं भी तेरी चिंता करूंगा। अर्थात भगवान को अपना आराध्य मानकर उनके बताए गए रास्ते पर चलना ही एक सच्चे हितैषी का कर्तव्य है।